नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत कैमोर की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था तपस्या कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, जो हमेशा सामाजिक कार्यों में विगत 7 वर्षों से निरंतर नगर में सामाजिक दायित्व निभाती आ रही है, इसी श्रृंखला में तपस्या सामाजिक संस्था ने एक ऐतिहासिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के संचालक मनीष नवैत और पूरी टीम, स्थानीय पार्षदगण ऋचा नवैत, शांति यादव एवं शरीफ खान और सफाई कर्मियों ने एकजुट होकर नगर में घर घर एवं दुकानों में जाकर गुलाब का फूल भेंट करते हुए स्वच्छता का महत्वपूर्ण संदेश फैलाने का प्रयास किया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके पश्चात तपस्या सामाजिक संस्था एवं सभी समाज सेवियों ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिक को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया। पार्षदों ने भी सामाजिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए लोगों को अपने परिवेश की सफाई के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। तपस्या संस्था के संचालक मनीष ने कहा, महात्मा गांधी का सपना एक स्वच्छ और समृद्ध भारत का था। आज हम सब मिलकर उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। सफाई कर्मियों ने भी इस अभियान में अपनी सक्रियता दिखाई। उन्होंने नगर के विभिन्न धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जाकर वहां के श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस प्रकार धार्मिक विविधता में एकता का संदेश फैलाने इस अभियान की विशेषता रही। राजेश कुमार तिवारी के साथ आरिफ खान की रिपोर्ट। क्या आपने आज ये इस बात को मतलब सोचा और ये पहल लिया कि हम लोग पब्लिक प्लेसेस में जागरूकता को फैलाएं और विशेष रूप से धार्मिक स्थल और धार्मिक स्थलों के आसपास आप लोग श्रमदान करके सफाई को करें? मैं इसके लिए आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में जो इस वर्ष का थीम दिया गया है वो है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। तो उम्मीद करती हूँ, आशा ही नहीं लेकिन उम्मीद और विश्वास है कि आपके इस जागरूकता अभियान के द्वारा, आपके पहल के द्वारा और आपके इस एंगेजमेंट एक्टिविटी के द्वारा लोग ज़रूर प्रेरित होंगे और अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में स्वच्छता को लाने पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद और बधाई। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।